सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और आज के इस वीडियो से हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जी हाँ, हर वीक के अंदर मैं आप जो भी लोग ये कमेंट्स करते हैं मेरे चैनल के ऊपर, उसमें से कुछ सेलेक्टेड जो कमेंट होंगे जिनके जवाब मैं कमेंट के थ्रू दे पाऊँ, ऐसे सवालों का सिलेक्शन करूँगा और आपके सामने वो वीडियो लेकर आऊँगा। सो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार, ये सब वीडियोस बनाने में आप सोच सकते हो कितनी मेहनत लगती है। सो अगर मेहनत लगती है और आप अगर आपको मेरी मेहनत दिखाई देती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने ही यार दोस्तों के अंदर शेयर कर सकते हो जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग कमेंट बॉक्स वीडियो को। तो सबसे पहले मेरे पास में जो कमेंट मैंने जो सेलेक्ट किया है वो ये है कि यहाँ पर एस के शर्मा कहते हैं, सर जी क्या इसके साथ इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं? मतलब ये मेरा एक वीडियो था P2P के बारे में जहाँ पर इन्होंने ये सवाल पूछा है। जब हम P2P की सेटिंग करते हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, वायरलेस टू वायरलेस, जब हमारी डिवाइस का सिलेक्शंस होता है तो उसके अंदर आप आपके कैमरा के जो डेटा होते हैं उसके साथ साथ में इंटरनेट भी शेयर कर सकते हो। मतलब कि ये जो ब्रिज बना रहे हैं वो एक तरह से आप ये समझ लो कि आप नेटवर्क बना रहे हैं पूरा का पूरा, चाहे आप फिजिकली वायर डाल के बनाओ या फाइबर ऑप्टिकल से बनाओ, चाहे आप वायरलेस टू वायरलेस बनाओ। तो जी हाँ, आप आराम से इसके साथ में इंटरनेट भी शेयर कर सकते हो। अगला सवाल पूछते हैं अनिल सराफ, और अनिल सराफ कहते हैं कि सर क्या कॉस्मिक DVR में इंडिगो कैमरा सपोर्ट करेगा? तो भाई अनिल सराफ जी, नॉर्मल सी बात है कि आज जितने भी हमारे पास में DVR XVR आ रहे हैं उन सभी में सभी टाइप, मतलब चाहे HD TVI लोगे तो उसमें HD CVI भी चलेगा, AHD भी चलेगा, CVBS भी चलेगा। जब अगर सभी चल रहे हैं तो ये तो यार CP+ है। अब इंडिगो चाहे कॉस्मिक हो, आप कोई भी DVR में कोई भी ब्रांड के कैमरा चला सकते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम आएगी, अगर आप ऑडियो वाले कैमरा ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि शायद वो ऑडियो कॉस्मिक वाले DVR के अंदर, अगर इंडिगो का आपने कैमरा लिया है और वो कॉस्मिक के DVR में चला रहे हो ऑडियो इंडिगो वाला, तो शायद ना चले, वो आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा। अगला सवाल पूछते हैं राजेश मिक्सिंग स्टूडियो, ये कहते हैं कि सर ये जो चार वीडियो का बलून है तो लेन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लेन में कन्वर्ट करेंगे तो P2P पे चलेगा? सो बहुत ही जेन्यून और मासूम सा सवाल है राजेश जी का। राजेश जी, इन सब में क्या होता है कि जब हम वीडियो बलून का इस्तेमाल करते हैं CAT6 के अंदर, तो एक्चुअली आप लेन में कन्वर्ट नहीं कर रहे, मतलब वहाँ पर कोई डिजिटल डेटा नहीं बन रहा, वहाँ पर जो है आपका जो लेन केबल है उसको आप एज अ कॉक्सियल ही यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इधर आप वीडियो बलून लगा रहे हो, वीडियो आ रहा है इधर से इधर, और इधर वापस आप वीडियो बलून लगा के निकाल लेते हो। तो यहाँ पर लेन RJ45 नेटवर्क, इससे इसका कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको P2P पे नहीं डाल सकते। हाँ, अगर P2P पे डालना है तो ये वीडियो बलून लगाया, DVR में कनेक्ट किया, अब DVR का जो लेन आउटपुट होता है, अब अगर उसको आप P2P में दे देते हो तो फिर आपकी ये जो चार चैनल वीडियो बलून वाला काम है वो वहाँ पर काम कर जाएगा, लेकिन वीडियो बलून के थ्रू आप कन्वर्ट नहीं कर सकते लेन के अंदर, ठीक है? यहां पर आपको कोई भी एक नेटवर्क डिवाइस चाहिए, अगर नेटवर्क डिवाइस होगी तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर नेटवर्क डिवाइस जैसे स्विच, DVR, NVR नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल हमसे पूछते हैं मंगेश महाजन। मंगेश महाजन कहते हैं कि हेलो सर, उस ग्राउंड में आप पावर कहां से लाते हो? वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या कोई बैटरी UPS यूज करते हो? बहुत ही शानदार सवाल है कि जो मैं ये एक्सपेरिमेंट वाले कुछ वीडियोस बनाता हूँ, जो मैंने एक सीरीज शुरू की है जहाँ पर मैं प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आपको ले जाता हूँ, वहाँ पर मैं कैमराज लगाता हूँ, DVR लगाता हूँ, पावर सप्लाई लगाता हूँ और इवन LCD भी लगाता हूँ, तो पावर कहाँ से आता है? क्योंकि वो तो खेत है ना। तो मंगेश जी, खेत के अंदर हम लोग UPS लेके जाते हैं, 2 से 3 UPS होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारा वीडियो कितने टाइम में रेडी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये सब एक्सपेरिमेंट करने में काफ़ी सारे टाइम लग जाते हैं, तो हम 2 से 3 UPS हमारे पास में होते हैं और उस UPS के थ्रू हम लोग चलाते हैं। एक UPS पे हम आराम से आधे से पौन घंटा हमारा जो सेटअप होता है वो चल जाता है, अगर एक कैमरा, एक DVR, पावर सप्लाई, हार्ड ड्राइव और एक मैं LED उसके ऊपर लगा दूं तो आराम से एक UPS आधे से पौन घंटे का बैकअप दे देता है। रेगुलर वाले जो UPS है वो ही हम यूज़ करते हैं, सो हमारा काम हो जाता है।
अगला सवाल हमसे पूछा है मारवाड़ी बाबू ने। मारवाड़ी बाबू कहते हैं कि मेरा एक सवाल है कि मेरे 8 चैनल DVR का एक कैमरा दिन में चलता है पर रात में वीडियो लॉस दिखता है, इसका कारण क्या है? मैंने पावर सप्लाई भी बदल कर देख ली। सो मारवाड़ी बाबू, जब कोई कैमरा दिन में चल रहा है और रात में नहीं चल रहा, मतलब वहां पर दो चीजें हो सकती है, या तो कैमरे के अंदर बाय डिफॉल्ट फॉल्ट हो कि उसका जो LED है IR है वो काम नहीं कर रहा, उसका सेंसर है वो काम नहीं कर रहा, जो IR कट फिल्टर होता है वो काम नहीं कर रहा, या फिर रात के टाइम पर आपके कैमरे को पावर नहीं मिल रहा। अब पावर नहीं मिलने के पीछे के 2-3 कारण है। अब आपने जो ऑलरेडी पावर सप्लाई लगाई थी, अब वो दिन में बराबर वर्क कर रही है, लेकिन रात के टाइम पर जब IR ऑन होने के लिए उसको एक्स्ट्रा पावर चाहिए, वो पावर उस टाइम पर नहीं मिल रहा हो, तो यहां पर पावर सप्लाई चेंज किया वो अच्छी बात है, लेकिन एक बार एक और ट्राई करिए कि एक्स्ट्रा आपकी जो पावर सप्लाई, अगर अपने 4 चैनल की पावर सप्लाई लिए तो उसकी जगह पे एम्पियर बढ़ा दीजिए, 8 चैनल की पावर सप्लाई लगाइए, या फिर अगर 8 चैनल का है तो वहां पे 16 चैनल की पावर लगाइए। मतलब क्या हो गया, 5 एम्पियर की जगह पे 10 एम्पियर यूज करो, 10 की जगह पे 20 एम्पियर यूज करो, मतलब कि आप एम्पियर्स को बढ़ाओ, तो वहां पर अगर आपका कोई नॉर्मल फॉल्ट नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं होगा, तो आपका काम हो जाएगा। अगला सवाल पूछते हैं हमसे इलनर कोल्ट 99। ये कहते हैं कि इज दिस लीगल टू यूज विदाउट लाइसेंस, मतलब मैंने जो बायोफेंग के जो वॉकी टॉकी है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तो इलनर कोल्ट, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर मैंने वहां पर वीडियो में क्लियर मेंशन किया है कि ये इलीगल है इंडिया के अंदर, तो वो इलीगल है, ठीक है कि हाँ, अगर वो आप पकड़े जाते हो नहीं पकड़े जाते हो वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग, हमारे इंडिया का जो कानून है उसके अकॉर्डिंग, इस तरह के वॉकी टॉकी को यूज करना इलीगल है। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूं, हमारे गुजरात के अंदर लिकर अलाउड नहीं है, मतलब दारूबंदी है कि आप गुजरात के अंदर दारू पी नहीं सकते, बेच नहीं सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी आप सब लोगों को पता है पी जाती है, ली जाती है, बेची जाती है, जो पकड़ा जाता है उसके ऊपर धाराएं लगती है। सो ये कंप्लीटली इलीगल है, तो अगर आप पुलिस के हाथों पकड़े जाते हो तो आपके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो आप पर कर सकते हैं। सो आप सचेत रहिए, जितना हो सके आप यूज मत करिए, लेकिन अगर कहीं पे ऐसी जरूरत पड़ जाती है और लोग करते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आपकी मर्जी। अगला सवाल हमसे पूछा है कॉम विजन ने, वो कहते हैं कि बस में DVR CCTV कैसे लगा सकते हैं। अब बस में आपको DVR और CCTV लगाना है तो इसके लिए मोबाइल DVR आते हैं। मोबाइल DVR की विशेषता ये होती है कि जब गाड़ी चलती है और उसके अंदर जो जर्क लगते हैं, खराब उबर खाबड़ रास्ते भी आते हैं, तो वहां पर वो जो शॉक होता है वो, मतलब उसके वो DVR के अंदर शॉक प्रूफ DVR होता है, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के DVR आप यूज कर सकते हो, कंप्लीटली आते हैं। दूसरा, अगर आप एक सिंगल कैमरा अगर यूज करना चाहते हो या फिर 2 कैमरे यूज करने चाहते हो, तो आप जो रेगुलर EZ-VIS के या फिर IMU के कैमराज हैं वो भी लोग इसके अंदर लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो इसके लिए मोबाइल DVR अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो आप लगा सकते हैं। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं हरियाणा कबूतेरा, उनका कहना है कि हेलो सर, फोन व्हाट्सएप कैसे हैक करे परमानेंट और उसे पता ही नहीं चले। तो देखिए हरियाणा काबूतेरा, मैं अपने वीडियो के अंदर आपको नॉलेज देता हूँ कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या है क्या नहीं है, या फिर आपके साथ में ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आप किसी का भी व्हाट्सएप हैक नहीं कर सकते, ठीक है। इलीगल कुछ तरीके हैं लेकिन वो आपको यूज नहीं करने हैं, और 99% नॉर्मल लोग तो उसको यूज नहीं कर सकते, मतलब आप व्हाट्सएप का जो हैक है वो नहीं कर सकते, वरना व्हाट्सएप जैसी कंपनी जो आज फेसबुक की हो गई है व्हाट्सएप, अगर उसकी सुरक्षा के अंदर आप सेंध लगा लें, मतलब फिर तो फेसबुक और मतलब व्हाट्सएप वाले क्या करेंगे, मतलब वो ऐसे ही बैठे हैं, उनके पास में जो इंजीनियर है वो कुछ नहीं है। हाँ, आप कुछ जुगाड़ लगाते हो, जैसे वेब व्हाट्सएप चालू कर दिया, या फिर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन उनके फ़ोन में इंस्टॉल कर ली जो कि वो जो डेटा है उसको फेच करके आपको देता है, ठीक है, ये जुगाड़ है, वो अलग चीज़ है, वो भी आप प्राइवेसी किसी की वो नहीं कर सकते, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। सो आप इस तरह से किसी का भी व्हाट्सएप हैक नहीं कर सकते, वो कंप्लीटली इलीगल है और आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ चीजें हैं जहां पर लोग करते हैं, कोई केसेस में फंस जाते हैं, तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट है जो कि वहां के डेटा आपको लाकर दे देती है, बट आम लोगों के लिए व्हाट्सएप हैक करना इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, क्रॉस कर दीजिए इस चीज पे। अगला सवाल हमसे पूछा है इट डीजे, ये सवाल नहीं है, ये कहते हैं कि भाई कहां से लाते हो ऐसी ऐसी ट्रिक्स। सो
ये जो ट्रिक्स है कोई ट्रिक्स जैसी चीज नहीं है, ना मैंने कोई ईजाद किया, मैंने कोई आविष्कार किया है, मैं आप ही लोगों में से सीखा हूँ और जो कंपनी के अंदर जो लोग हैं, जो टेक्निकल टीम है, उनसे मैं सीखा हूँ। सो मैं क्या करता हूँ कि ये मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है जो कई बार वीडियोस के अंदर निकल के आता है। आई एम नॉट ए इंजीनियर बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते ये सब चीज़ें आ गई हैं। सो इस वजह से ऐसी ऐसी ट्रिक्स हम लोग बता देते हैं। बाकी आप ही लोग में से जो मुझे अभी देख रहे हैं यहाँ पर, मुझसे भी कई गुना नॉलेज होगा उनके पास में और वो मार्केट में बहुत ही अच्छा फील्ड पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सो वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं ऑब्वियसली। सो मैं तो बस ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए और जो कुछ आता है वो सिखाने की कोशिश करता हूँ, दैट्स इट। अगला सवाल हमारे पास में आया है निम्रा इन्फोटेक से, और निम्रा इन्फोटेक कहते हैं कि सर कस्टमर से पैसा निकालने का तरीका बता सकते हो क्या? मेरा सब कुछ अच्छा जाता है पर पैसा फंस जाता है। तो भाई निम्रा इन्फोटेक, ऐसा कोई तरीका नहीं होता जहां से आप क्लाइंट से पैसा निकाल लो, ठीक है। क्लाइंट मोस्ट ऑफली 99% केस के अंदर अगर आप पूरा मतलब जैसा आपने बोला था अगर उसी हिसाब से चलते हो तो 99% जो क्लाइंट हैं वो पैसा दे ही देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर आपने काम अच्छे से नहीं किया है या फिर आपने आपके एंड से कुछ फॉल्ट रखे हैं जो उनको समझ में नहीं आए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में कि उन्होंने जैसा बोला था आपने नहीं समझा, फिर आपने जैसा बोला था उन्होंने नहीं समझा, अगर ऐसा कुछ है तो वहां पर पैसा फंसता है। और 1% लोग तो ऐसे होते हैं कि वो आप क्या बैंक गवर्नमेंट सबका पैसा लेके बैठते हैं तो आप उनसे कैसा पैसा निकलवाएंगे। सो आप अपने काम को जो है वो इतने अच्छे तरीके से करिए, परफेक्शन के साथ में करिए, कोटेशन के ऊपर क्लाइंट सिग्नेचर लेना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आप एज अ प्रूफ बता पाएं कि हाँ हमारी ये डील हुई थी और आपने यहाँ पर साइन भी किए थे, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो पहले से बता दें कोटेशन के अंदर, नीट एंड क्लीन रखें, ट्रांसपेरेंट रहें ताकि आपका पैसा जो आपके काम करने के बाद है वो ना फंसे। इसके अलावा और कोई तरीका किसी के पास में नहीं है कि कोई क्लाइंट से पैसा निकलवा पाए। हाँ अगर आपने कुछ गलती की है तो पैसा फंसेगा और कुछ 1% जैसे मैंने बताया कि कुछ क्लाइंट ऐसे ही होते हैं सो उनसे आप क्या कोई पैसा नहीं निकलवा सकता। सो सतर्क रहें, सचेत रहें। अगला सवाल हमसे पूछा है विवेक श्रीवास्तव ने, और विवेक श्रीवास्तव कहते हैं कि सर इंटरनेट एक्सेस करना है मुझे 5 किलोमीटर पे तो कौन सा डिवाइस लें। अब अगर 5 किलोमीटर दूर पे आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, मतलब आपका कहना यहां पर यह है कि 5 किलोमीटर आपका या तो घर है या फिर ऑफिस है वहां पर ऑलरेडी इंटरनेट आया है और वहां से दूर 5 किलोमीटर आप इंटरनेट को एक्सेस करना है, तो उसके आपके पास में दो तरीके हैं। या तो आप वायर फाइबर ऑप्टिकल केबल खींच सकते हैं 5 किलोमीटर का, या फिर आप वायरलेस पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेज लगा सकते हैं 5 किलोमीटर वाली 6 किलोमीटर वाली, जिसके अंदर UBNT के डिवाइसेज अवेलेबल हैं, आपको माइक्रोटेक के डिवाइसेज आपको अवेलेबल हैं और भी बहुत सारी ब्रांड है जिसके डिवाइसेज आपको मिल जाएंगे जो P2P में आपको सपोर्ट करेंगे 5 किलोमीटर, वो डिवाइस के यूज से आप डेटा इधर से इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं टेक गेमर 100, और उनका कहना है कि 360 कैमरा और PTZ कैमरा आर सेम। तो देखिए 360 कैमरा और PTZ कैमरा कभी भी सेम नहीं है। 360 कैमरा के अंदर जो लेंस होता है वो 360 लेंस होता है, इस वजह से वो 360 पूरा का पूरा एक कैमरा पूरा का पूरा दिखाता है। 360 आप उसको जब भी चाहे देख सकते हैं, यानी पूरा 360 रिकॉर्ड करेगा। PTZ जो कैमरा होता है वो 360 डिग्री नहीं होता, उसका जो रेगुलर एंगल है 60 डिग्री, 70 डिग्री, 72 डिग्री अप्रॉक्स उतना देखेगा और जिधर उसको घुमाओगे उतना ही रिकॉर्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ये डायरेक्शन रखी है, ओके, तो ये डायरेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है तो पीछे क्या हो रहा है वो कैमरा नहीं देख रहा, बट अगर 360 कैमरा है तो पीछे क्या है, इधर क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, सब कुछ रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो 360 कैमरा एंड PTZ कैमरा बहुत डिफरेंट। सो आज के वीडियो में इतने सवाल हम लोगों ने पिक किए थे, मुझे लगता है कि जो मैं सवाल सेलेक्ट मैंने किए और जो जवाब दिए बेटर लगे होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल आपके समझ में नहीं आया, कोई जवाब अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए लिखना शुरू कर दीजिए, कमेंट करना शुरू कर दीजिए, हर वीक आपको एक नई वीडियो नए कमेंट्स के ऊपर मिलती जाएगी। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स और नई चीज़ों को लेकर, नए गैजेट्स को लेकर। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।